होम सिकनेस यानी घर की बीमारी आजकल के बच्चों में एक ऐसी बीमारी है जो हम लोग अपने लाड़ द्वार और प्यार में बच्चों के मन में बैठा देते हैं। लाखों रुपए खर्च करके बच्चों को बाहर भेजते हैं पढ़ने और हमने देखा है तमाम बच्चे वापस सब कुछ छोड़ के बीमार हो जाते हैं, बाहर जाते हैं, उनका क्लास छोड़ के, उनका स्कूल छोड़ के, उनकी यूनिवर्सिटी छोड़ के उनको वापस घर बुलाना पड़ता है और पैसा डूब जाता है। आज हम आपको बताएंगे होम सिकनेस को ठीक करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे होम सिकनेस के बारे में। होम सिकनेस एक ऐसा विषय है जिसमें हमने लोगों को लाखों रुपए का नुकसान होते देखा है। बच्चे का एडमिशन कहीं पर कराया अपने शहर के बाहर, अपने देश के बाहर, अपने प्रदेश के बाहर, और वह होम सिक है। पता लगा वो सारा काम धंधा छोड़ के वापस चले आए और जो है वो सारा खेल खराब हो गया। तो अगर होम सिकनेस की स्थिति है साथियों, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवाएं हैं। आज हम आपको बताएंगे उन्हीं में से कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। दवाएं साथियों निश्चित रूप से कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। तो चलते हैं साथियों सफ़र पे, जिस पे आपको बताते हैं होम सिकनेस को ठीक करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। नंबर एक दवा साथियों होम सिकनेस की होम्योपैथी में आती, कैप्सिकम एनम। किसी साथी को अपने होम सिकनेस है, वो घर में बिना रह नहीं पाता, स्कूल जाते हैं तो उन्हें घर आना होता है, यूनिवर्सिटी जाते हैं तो उन्हें घर आना होता है। तो अगर ऐसी होम सिकनेस की स्थिति है और मरीज के गाल अगर लाल हैं, चीक्स रेड हैं, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा आती है कैप्सिकम एनम। आप 1 mg पावर की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली ऐसे मरीज को दे सकते हैं, उनकी होम सिकनेस ख़त्म हो जाएगी और वो अपनी पढ़ाई, काम, स्कूल, यूनिवर्सिटी में बेहतर ध्यान लगा के जीवन में तरक्की के रास्ते पे बढ़ सकेंगे। एक स्थिति आती है साथियों, किसी को होम सिकनेस है। अब ऐसे मरीज को आपने बाहर पढ़ने भेज दिया, वो बाहर रह तो लेता है लेकिन वह हर समय बुझा उलझन में और कैसे अपना जीवन गुजारता रहता है। तो अगर होम सिकनेस की उदास रहता है, तो अगर ऐसी होम सिकनेस की स्थिति है तो वैसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है आयरिश टेनेक्स। आप आयरिश टेनेक्स 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार मरीज को दे सकते हैं। अगर उसका ग्लूमी टाइप मूड हो, डाउन टाइप मूड हो, रहता तो बाहर हो लेकिन याद उसे हर समय घर की आती हो, तो यह दवा ऐसे मरीज को मदद करेगी, उनको अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाने में बेहतर रूप से प्रेरित करेगी। एक स्थिति साथियों होम सिकनेस की आती है कि मरीज का मूड बदलता रहता हो। होम सिक बच्चा हो या बच्ची हो, उसके मदर फादर आते हैं, उसको समझाते हों, वो मान जाते हों, थोड़े दिन गाड़ी आगे बढ़ती हो लेकिन फिर क्या घर आना है। तो अगर ये चेंजेबिलिटी हो, कभी सौरो ग्रीफ हो, कभी जीवन सामान्य चले, इस तरह का जो चेंजेबिलिटी का सिम्टम अगर होम सिकनेस के साथ है तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा इग्निशिया अमारा। आप इग्निशिया 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार दे सकते हैं, यह दवा मरीज को स्वास्थ्य लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों, मरीज को होम सिकनेस हो और उनको एंजाइटी बहुत हो, बेचैनी बहुत होती हो, बाहर जितने दिन रहते हों उतने दिन वो बेचैन रहते हों, तो अगर यह स्थिति है साथियों तो होम सिकनेस की इस स्थिति की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार आप उस स्थिति में मरीज को दे सकते हैं जब उनको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो, एंजाइटी हो, जो रात के 12 बजे ज़्यादा बढ़ती हो, ऐसी स्थिति में आर्सेनिक एल्बम ऐसे मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों, मरीज को होम सिकनेस हो, वो घर पे रहना पसंद करते हो, जितनी देर बाहर रहते हो उतनी देर एब्सेंट माइंडेड, खोए खोए रहते हो, फॉरगेटफुल नेचर हो, तो अगर यह स्थिति है साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है लैक कैनाइनम। लैक कैन 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार आप उन साथियों को दे सकते हैं जो एब्सेंट माइंडेड हैं, खोए खोए रहते हैं, अपने होश में नहीं रहते और हर बस समय बस घर आना है, घर आना, घर की ही याद, तो ऐसे मरीजों में यह दवा लाभ देगी।
ये साथियों को दवाएं थी होम सिकनेस की, दवाएं कारगर हैं साथियों, लेकिन निवेदन करेंगे कोई भी दवा बिना कुछ कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, प्रयास करेंगे आपकी बात का उचित जवाब दे सकें। हमें इंतज़ार रहेगा साथियों आपके कमेंट्स का, आपकी राय का, आपके विचार का। यदि आप उन बातों को अपने हृदय की अभिव्यक्ति को हमारे बीच समाज के बीच लाएंगे तो हमें इस कार्य को और बल मिलेगा। मैं और मेहनत करता रहूँगा। निवेदन करूँगा साथियों मेरी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूँ ही प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।